एक मिनट भाई साहब, बहुत अच्छा बोले, तो क्या इस चीज का हमें ठेका ले रखे क्या? नहीं नहीं, इस चीज का हमें ठेका ले रखे क्या? कहते हैं कि शरीर में बम डालिए और फट जाइए, आपको बातें जरूर मिलेंगी। जब इस पे सवाल उठाओ तो आप कह रहे हैं बरगला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हमें एक होना भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक होना ही नहीं है, एक होना भी नहीं है मुझे भाई, मुझे अपना सर नहीं कटवाना। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ही मिला था अपनी मस्जिद बनाने के लिए। हमारे गीता में अर्थ फ्लैट नहीं होता, हमारे गीता में हलाला नहीं होता, हमारे गीता में बहन के साथ शादी नहीं होती। हिजड़े वो नहीं होते जो रस्ते पे चाली बजा के चलते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं। रात को यूज करो, रात को पत्नी बनाओ, और सुबह अगर किसी चीज के ऊपर ना हो तो तलाक तलाक तलाक। सुन लीजिए ना, हर वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सब सरकार निकम्मी है। हम भी अपनी बहन को ही अपनी माशूका बना लेते हैं रात को। भैया नकली भाईचारा जालीदार टोपी वालों से हमें नहीं करना। किसी मस्जिद के बाहर आप किसी हिंदू का ना होटल देख सकते हो, ना किसी हिंदू का ढाबा देख सकते हो। सब आप अपने परिवार के साथ हलाला करवाना चाहेंगे? हम क्यों करेंगे, पूरे 24 घंटा बिजी है तो भैया भूरे भूरे पे जाओ मत, पढ़ो लिखो और अच्छे से रोजगार कमाओ। ना देशभक्ति खराब है, लेकिन जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करे वो रक्त खराब है। जो बोलता है हम चील और कौवे को नौकरी देंगे, ऐसे लोगों को तो हम प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। जो बोलता है राम डज नॉट एग्जिस्ट, वोट उसको दीजिए जिसके पीछे जनता पागल हो, उसको मत दीजिए जो खुद पागल हो। कौन मरा नोटबंदी में? कौन मरा? पाकिस्तान मर गया, पाकिस्तान मरा। नंबर नहीं आता, इतने भक्त इतने श्रद्धालु हैं कि फूलों की सेवा नवरात्रों में देनी। मुस्लिमों को वंचित नहीं करा किसी योजना से मेरे भाई, शौचालय से लेकर घर से लेकर वंदे भारत ट्रेन के सफर से लेकर सब कुछ दिया। जो मौलाना कहते हैं अपनी बदबू वाली वाइफ को त्याग दो, इससे भी अच्छी मिलेगी बदतर उन्हें। ये देशभक्ति तब दिखाते हैं जब हमारे सैनिकों को पत्थर मार रहे थे, जब हमारे सैनिकों की गर्दन काट के फुटबॉल खेल रहे थे। ये बात जरूर सिर्फ मुसलमानों को ही मिलती है। कौन सिर्फ बात जरूर है सिर्फ मुसलमानों के बारे में? पूरी डेफिनेशन ही नहीं बताओ, बता दीजिए ना, बात जरूर होती है। ऐसी सोच वाले एक धर्म के अंदर बताया जाता है स्त्री का सम्मान, स्त्री को भगवान मान। बनारस राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा आपको? क्या रोजगार नहीं मिलेगा से बताइए भाई, क्या मिलेगा आपको? क्या रोजगार नहीं मिलेगा? मिलेगा। सुनिए, पहला रोजगार, पहला लोग घर से चलेगा ना तो शॉपिंग करेगा, कपड़े खरीदेगा तो कंधार का रोजगार, अच्छा गाड़ी बुक करेगा गाड़ी वाला का रोजगार, गाड़ी पेट्रोल भराएगा पेट्रोल वाला का रोजगार, समझे ना। जब रोड पे चढ़ेगा गाड़ी लेके ना, जब होटल बुक करेगा तो होटल वाला का रोजगार, जब फिर नहा धो के निकलेगा पूजा करने के लिए तो फूल बेचते हैं ना, फूल वाले का रोजगार, फल वाले का रोजगार, मिठाई वाले का रोजगार। तो भैया ये बताइए, जितने रोजगार गिना दिए तो मस्जिद में भी हो सकता था? कहां से, मंदिर के बाहर तो मैंने नहीं देखा प्रसाद वाला बैठा हो, फूल वाला बैठा हो, हमने तो कभी नहीं देखा। और मस्जिद के लिए दूर दराज से लोग ट्रेन है बस से पकड़ के टैक्सी पकड़ के जा रहे हो, ठीक है। और हिंदुओं के आप तीर्थ उठा कर देख लो, छोटे से मंदिर से लेकर बड़े बड़े तक, यहाँ तक कि आप दिल्ली के अंदर है, आप अभी दिल्ली के अंदर हनुमान मंदिर है, मंगलवार को यहाँ रश देख लेना, श्रद्धालु देख लेना, और रोजगार कितना उत्पन्न होता है यहाँ देख लेना, और यहाँ से आप चले जाओ वैष्णो देवी तक देख लेना। नंबर नहीं आता, इतने भक्त इतने श्रद्धालु है कि फूलों की सेवा नवरात्रों में देनी। मुसलमानों के अधिकार का खनन नहीं है? नहीं, उनके अधिकार उनके पास है ना, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि काशी ज्ञान वापी मस्जिद तो इन्होंने बसाई, मुगलों ने बसाई, जिसने भी बसाई, क्या उनको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ही मिला था अपनी मस्जिद बनाने के लिए? क्या उनको नहीं पता था कि ये हिंदुओं की आस्था केंद्र है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, जिनके त्रिशूल के ऊपर पृथ्वी टिकी है, ये उसका महत्व बताता है, इनको इतना नहीं पता था बताइए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हिंदुओं के जितने तीर्थ है जैन की आस्था जुड़ी है उनको तबाह करो, उनपे मस्जिदों का निर्माण करो, और वहीं पर ही ये जाए और डर जाए, और ये जो है रूपांतरण करे हिंदू से मुस्लिम का। अभी आता सर, देखिए सच बोलूंगा कड़वा बोलूंगा, मिर्च लगे लगने दो, हमें मतलब नहीं। सनातन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, और क्या बोलते हैं जैन धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, अच्छा ये धर्म से ना देश चलता है, देश की अर्थव्यवस्था चलता है, ठीक है। मुस्लिमों से नहीं चलता है। कितना देते हो भाई? तुम्हारे पास जो डोनेशन होता है कितना देश? अरे निजामुद्दीन वाले मस्जिद में चले जाइए, वहाँ रोजगार है। क्यों नहीं है रोजगार? किसको रोजगार है? क्यों नहीं है?
किसको रोजगार है भाई? ये बात मैं बता रहा हूँ, धर्मों की बात चल रही है या रोजगार की बात चल रही है? धर्म से रिलेटेड रोजगार की बात चल रही है। धर्म से रिलेटेड भाई फर्क है। आप हिंदू मंदिर के आसपास मुस्लिम होटल्स देख लोगे, मुस्लिम्स के होटल देख लोगे और रहने की व्यवस्था भी देख लोगे, खान पान की व्यवस्था देख लोगे, लेकिन किसी मस्जिद के बाहर आप किसी हिंदू का ना होटल देख सकते हो, ना किसी हिंदू का ढाबा देख सकते हो, ना किसी हिंदू की फोलो की दुकान देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, मैंने देखा है। कहाँ देखा लीजिए पहले, जहाँ पर आपने ये बात बोली कि क्या नाम है, मुसलमान की जगह हिंदू का कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है मस्जिद के आगे। वो आप पूरे स्टेट में, पूरी दिल्ली में घूम लो, देख लो, ठीक है, मैंने तो देखा है, याद नहीं है मुझे। लेकिन दूसरी बात, ये हम लोगों को सबको एक होना है, मुसलमान हो इसमें हिंदू हो, ये हम लोग पहली बात तो हम सबको एक होना। आपका नाम क्या है? आपका नाम मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान, मुझे एक बात बताइए, मैं ये नहीं बोल रहा कि हिंदू गलत, मैं किसी धर्म पर नहीं जा रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ सबको इक्वल एकजुट बनकर रहना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सुनिए तो सही पहले मेरी बात, पहले राम मंदिर सर 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 एक मिनट भाई साहब, बहुत अच्छा बोले, तो क्या इस चीज का हमें ठेका ले रखे है क्या? नहीं, इस चीज का हमें ठेका ले रखे क्या? नहीं, इस चीज का हमें ठेका ले रखे है क्या? आप क्या करोगे? आप करो भाई, सारे इससे आप करो ना, हम ही ठेका ले रखे। मुझे एक बात बताइए, मुझे पहले एक बात बताइए भैया, मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बना दिया, मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बना दिया, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करी जा रही है, ये फिर काशी उठाएंगे, तो इसमें मुसलमानों को इसमें फायदा कौन उठा रहा है? फायदा कौन उठा रहा है? ये उठा रहा है सारे पॉलिटिक्स वाले, पॉलिटिशियन उठा रहे हैं। हम लोग एक नहीं है तो पॉलिटिशियन उठा रहा है फायदा। सर देखिए, अब आगे इन बात, सर 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 देखिए, सर एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, हिंदू मुस्लिम हमें एक होना भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक होना ही नहीं है, एक होना भी नहीं है मुझे भाई, मुझे अपना सर नहीं कटवाना। इनका क्या भरोसा, जब ये अपनी बहन को ही अपनी माशूका बना लेते हैं रात को, इनको ये नहीं पता इनका बाप इनका मामा है या इनका चाचा, तो ये हमारे साथ भाईचारा कहाँ से निभाओगे? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बताऊं भैया उनको, दाना सिक्कों का शर्ट काटने वाला कौन था? उसका भाई औरंगजेब था ना भैया। जब अपने भाई के ही नहीं हुआ तो हमारे क्या घंटा होंगे? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? भाई भाई का सर काट रहा है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? भाई भाई का सर काट रहा है। सीरिया लेबनान में क्या हो रहा है? भाई भाई का सर काट रहा है। तो भैया ये लोग सर काटने वाले लोग हैं, इनको गले मिलना नहीं पता। वो गरीबी कश्मीर में, अब तो अब क्या हो रहा है? अब विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? G20 समिट हो रहा है, क्या हुआ? श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन रही है, बेरोजगारी तो अभी है। अच्छा बेरोजगारी अच्छी है, आजादी अच्छी है? आपसे पूछ रहा हूँ, आजादी अच्छी है? आप बताइए, बेरोजगारी अच्छी क्या? आजादी अच्छी है, बेरोजगारी अच्छी है, पत्थरबाजी अच्छी है? बेरोजगारी बोलना चाहूंगा, बेरोजगारी भारत के अंदर इतने उच्च स्तर के ऊपर है कि जहाँ हमारे पूर्वज, जहाँ हमारे बड़े टेंटों में अपने बच्चों की शादी करते थे, आज वो बैंकेटों में कर रहे हैं। जहाँ हमारी पीढ़ी को मोबाइल फोन तक नहीं देखने मिलता था, महंगे से महंगा फोन यूज कर रहे हैं, आज हमारी पीढ़ी ब्रांडेड कपड़े पहन रही है। हमारे बुजुर्गों ने सारी जिंदगी साइकिल पे गुजार दी, हम गाड़ी पे घूम रहे हैं। ये लिखवाए देख रहे हो ना इसको, भैया नकली भाईचारा जालीदार टोपी वालों से हमें नहीं करना, ठीक है? लेकिन नॉट इक्वल, सब एक जैसे नहीं है, पांच उंगलियां बराबर नहीं है, सबको आप एक जैसा मत समझो। वी डोंट वांट दैट फिंगर हु कट्स आवर नेक, सिंपल सी बात है। वी डोंट वांट दैट फिंगर हु कट्स आवर नेक, मोदी मोदी जी इतना बोलते हैं, मोदी जी इतना बोलते हैं, क्या करा? क्या करा मोदी जी ने? क्या करा कह रहे हैं? अरे मोदी जी ने क्या नहीं करा, नहीं बता रही है इनको, कब लगेगा भाईचारा? ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मोदी इतना बोलता है, क्या करा मोदी ने? क्या करा? सबका साथ सबका विकास करा, मुस्लिमों को वंचित नहीं करा किसी योजना से मेरे भाई, शौचालय से लेकर घर से लेकर वंदे भारत ट्रेन के सफर से लेकर सब कुछ दिया। लेकिन लोग तो इनसेटिस्फाई नहीं है ना, कुछ लोग सिर्फ मुस्लिम नहीं है, लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे ही मोदी जी 2014 से आज तक प्रधानमंत्री है। इसके बाद 2000 क्या लग रहा है भैया, 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? देखो जो अच्छा हो मोदी जी हो इसमें, जो अच्छा काम कर रहा हो वो बने। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं उन्होंने काम, ऐसी बात नहीं करा, उन्होंने काम किया। लेकिन ऐसे लोग को तो प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे जो बोलता है हम चील और कौवे को नौकरी देंगे, ऐसे लोगों को तो हम प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे
जो बोलता है राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है, तो भैया राहुल गांधी कांग्रेस और पूरा इंडिया अलायंस तो प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दे। ये कह रहे हैं मोदी जो बहुत बोलते हैं काम बहुत कम करते हैं। अरे भैया ऐसे लोग, ये वही लोग हैं जो आलू से सोना निकालते हैं, तो भैया आलू से सोना निकालने वाले हवा हवाई फायर करते हैं, तो उनको फायर करने दो। एज अ यूथ हम एक चीज कहना चाहते हैं कि वोट उसको दीजिए जिसके पीछे जनता पागल हो, उसको मत दीजिए जो खुद पागल हो। तो राहुल गांधी खुद पागल है, उसको हम लोग चुनेंगे नहीं, ठीक है। और रही बात बसपा सपा कांग्रेस केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन, ठीक है, सुन लीजिए ना, हर वो सरकार निकम्मी है सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सब सरकार निकम्मी, हम लोग नहीं चुनेंगे उनको। आप आगे बोलिए। एक बात बताइए, ओवैसी नोटबंदी में कौन मरा? पैसे वाला मरा? पैसे वाले लाइन में लगे? लगे करोड़पति लाइन में लगे मरे? कौन मरा नोटबंदी में? कौन मरा? पाकिस्तान मर गया, पाकिस्तान मरा, नहीं पता है। छत्तीस का अगला है, आटा मांग रहा है और कांग्रेस आज चंदा मांग रही है। ये नोटबंदी गौतम इब्राहिम मरा, जो नकली नोट का मशीन लगा रखा था ना वो मरा। सिर्फ ये देशभक्ति तब दिखाते हैं जब हमारे सैनिकों को पत्थर मार रहे थे, जब हमारे सैनिकों की गर्दन काट के फुटबॉल खेल रहे थे। इतिहास का है ये, हमारी पीढ़ी ने देखा है। 2024 चल रहा है, ये इतिहास नहीं चल रहा, 5 क्लास का स्टैंडर्ड का क्या नाम है वो नहीं चल रहा, 24 चल रहा है, 24 चल रहा है ना, 23 चाहिए ना, 23 ही बोलूंगा ना जो प्रेजेंट है, तो ये तो 24 चल रहा है ना, इतिहास थोड़ी देखेंगे। ये 2023 में जो हुआ है वो बताऊंगा ना मैं, तो क्या हो रहा है 2023 में? राम मंदिर बन रहा है, श्री श्री की जन्मभूमि आ रही है। धर्म की बात कर ही नहीं रहा, मैंने धर्म की बात करी नहीं, मैंने तो ये बोला है कि जब नोटबंदी करी थी कौन कौन मरा लाइनों में लगे? पाकिस्तान और कांग्रेस दो ही मरे बस, पाकिस्तान और कांग्रेस बर्बाद हुई नोटबंदी में, दोनों रोड पे आ गए, दोनों के एक दूसरे अच्छी बात है आ गए रोड पे, लेकिन करो अच्छी बात है अगर कर रहे हैं कुछ भी काम कर रहे हैं जो दुनिया के लिए जनता के लिए, मैं कह रहा हूँ सपोर्ट करो, बट लेकिन किसी का नुकसान ना हो। अच्छा आपने अपना नाम क्या बताया? अच्छा